हटाए। चलिए ओके सर, आ रहा है। ओके सर, ओके सर, आवाज आ रही है। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। उम्मीद है कि मैं थोड़ी देर से ही सही प्रयास में सफल रहा। नेटवर्क की कुछ परेशानी की वजह से मैं थोड़ी देर से लाइव आप लोगों के समक्ष आ पाया। और जैसा कि अभी विषय हमारा है, हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आज, समावेशी शिक्षा, भारतीय परिदृश्य में, भारतीय संदर्भ में समावेशी शिक्षा के बारे में हमें चर्चा करनी है। आज चूंकि तकनीक दिवस है और आज तकनीक दिवस के दिन मैं थोड़ी सी इंटरनेट और इसके चक्करों में थोड़ी सी देर हुई है, मैं सबको नमस्कार करता हूँ और उम्मीद है कि मैं सबके लिए ऑडेबल हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर कोई मैसेज कर सके या कुछ हमें इन्फॉर्म कर सकें तो हमें शायद पता चल पाएगा। शायद मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक स्पष्ट आ रही है। समावेशी शिक्षा के बारे में जो बात है, हम सबसे पहले यह जानने की कोशिश करें कि भारतीय संदर्भ में समावेशी शिक्षा की क्या अवधारणा है। समावेशी और शिक्षा दो शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोगों को समझना है और जानना है। जैसे ही हम समावेशी शिक्षा के बारे में जब हम बात करते हैं तो तुरंत हम लोगों के दिमाग में यह बात आती है कि विशेष बच्चों के बारे में, शिक्षा के बारे में बात की जा रही है। अर्थात केवल हम लोग अपने आप को कन्फाइंड कर लेते हैं कि विशेष बालकों के संदर्भ में हमें बात करनी है समावेशी शिक्षा में। लेकिन शायद समावेशी शिक्षा इससे और अधिक व्यापक है और इसकी अवधारणा भी बहुत विशाल है। केवल हम समावेशी शिक्षा में विशेष बालकों तक, डिसेबल्ड बच्चों तक ही हम बात नहीं करते हैं, बल्कि हम उन सारे लोगों के बारे में बात करते हैं जो समाज में रहते हैं, जो समाज में हैं, उन सभी लोगों को सम्मिलित करना ही शायद इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की अवधारणा है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा की अवधारणा एक एकांगी नहीं है बल्कि यह एक समांगी है, यह उसी तरह से समावेशी शिक्षा भी सभी प्रकार के लोगों को सम्मिलित करना है। हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा एक प्रकार से ऐसे बालकों के बारे में बात करता है जो किसी न किसी तरीके से हम उनको छोड़ देते हैं या वो किसी न किसी तरीके से शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जब हम समावेशी शिक्षा के बारे में भारतीय संदर्भ में भी बात करते हैं तो इन दोनों सीधे अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा के बारे में तो हम सीधे सपाट शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसी शिक्षण व्यवस्था जिसमें सभी को सम्मिलित करने की बात हो, सभी लोगों को हम उसमें शामिल करें, ऐसा एजुकेशन सिस्टम दैट इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। समावेशी शब्द सुनते ही केवल निःशक्त और दिव्यांग जन तक ही हम सीमित कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यह व्यापक शब्द है और इस शब्द के मायने बहुत ही अधिक है। इसमें हम सभी प्रकार के बालकों के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर ऐसी शिक्षण व्यवस्था क्या हमारे समाज में विद्यमान है जो सभी को सम्मिलित करती है? शायद हम लोगों का इसमें जो जवाब होगा वह मिली जुली हो सकती है, मिली जुली प्रतिक्रिया आ सकती है कि
कि हाँ हम हमारी शिक्षण व्यवस्था ऐसी है जिसमें कि अब हम यह कह सकते हैं कि सभी को सम्मिलित करना हमारी शिक्षण व्यवस्था में आ गई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि नहीं, अभी भी हमारी शिक्षण व्यवस्था उतनी दुरुस्त नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है जिससे कि हम सभी तरह के लोगों को सम्मिलित कर सकें। खैर, इस प्रश्न को मैं अभी अनुत्तरित छोड़ता हूँ, इसका उत्तर हम लोग सत्र के उत्तरार्ध में या मध्य में समझने का प्रयास करेंगे। मैं आज, चूंकि टेक्नोलॉजी डे है और इस संदर्भ में थोड़ी देर हुई है, लेकिन मैं थोड़ा सा विषय को और आगे बढ़ाते हुए जल्दी जल्दी मैं आऊँगा उस पर। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में मैं एक अभी हाल ही फिलहाल का एक पत्र का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। यहाँ इस समावेशी शिक्षा की अवधारणा को समझने से पहले मैं 29 अप्रैल 2020 को एक पत्र भारत सरकार के मानव, जो हमारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, उसके अंतर्गत एक इकाई काम करती है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, DEPWD, ऐसा उसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है। और वहाँ से, उस मंत्रालय के उस विभाग से, उसके डायरेक्टर के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है। और वह पत्र ऐसा उनके पास, उनका उस पत्र में, वह सार्वजनिक भी है, शायद वेबसाइट पे आपको देखने को मिल सकता है। उस पत्र में यह लिखा गया है कि एक दिल्ली में NGO है, जावेद अबिदी फाउंडेशन, और उन्होंने MSJE को, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को ध्यान आकृष्ट कराया है कि जो अभी लॉकडाउन चल रहा है भारत में, इसमें हम ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस पूरे देश भर में बहुत व्यापक रूप से चलाए जा रहे हैं। परीक्षाओं को भी, असाइनमेंट्स के लिए, टेस्ट के लिए, हमारे यहाँ ये सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन चल रही है। लेकिन उस जावेद आबिदी फाउंडेशन ने यह इशू उठाया है उनके सामने कि आप इसको इंश्योर करें कि जो भी बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं या हायर एजुकेशन में चल रहे हैं, वे क्या जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं या ऑनलाइन जो टीचिंग मटेरियल है उसका एक्सेस वो कर पा रहे हैं? ऐसा वो एक्सेस नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप इसको इंश्योर करिए। और उन्होंने एक लेटर, KVS राव जो डायरेक्टर हैं इस डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक लेटर जारी किया कि भाई, जो भी हायर एजुकेशन में डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेज हैं या और जो लोग हैं, वे ऑनलाइन क्लासेस के मटेरियल को सबके लिए एक्सेसिबल बनाएं। तो यह एक पत्र आज भी यह बतलाता है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है। एक्सेसिबिलिटी जो है उस मटेरियल की, उस ऑनलाइन क्लासेस की, एक तबके तक पहुंच नहीं पा रही है। तो ये एक तो इश्यूज है जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। लेकिन चूंकि जैसा हमने कहा कि यह समावेशी शिक्षा केवल और केवल डिसेबल्ड लोगों के लिए ही, केवल अवधारणा के लिए नहीं है, बल्कि इसका परिप्रेक्ष्य और इसका जो अवधारणा है वो बहुत ही व्यापक है। और बहुत सारे शिक्षाविद या समाज के और जो समाजशास्त्री हैं, वे अलग अलग तरीके से इसके बारे में उस अवधारणा का जो अर्थ है वो स्पष्ट करते हैं। जब हम समावेशी शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो इसमें वे सारे बच्चे जो किसी न किसी भी प्रकार से शिक्षण व्यवस्था में सम्मिलित नहीं हो पाए, उन सबको शामिल करने की बात यह कहता है। अर्थात स्पेशल एजुकेशन नीड्स, विशेष शैक्षिक जरूरतों वाले वे बालक हैं जो कि किसी न किसी तरीके से, चाहे वह फिजिकली चैलेंज्ड हों, सेंसरी चैलेंज्ड हों, या वे जो सोशियो इकोनॉमिकली डिप्राइवेशन के कारण वो एजुकेशन सिस्टम से बाहर हो गए हों, जैसे कि हमारे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, और उसके साथ साथ जो है दूसरे और तबके के, और जैसे हम लोग कह सकते हैं कि गरीबी के कारण बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्यार्थी या बहुत सारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, वे समाज के उस विद्यालय जो व्यवस्था है उसमें नहीं आ पाते हैं। गर्ल्स एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन भी हमारे लिए एक बहुत चैलेंज बना हुआ है। तो इन सारे, जो हमारी सोसाइटी के कोई भी ऐसा व्यक्ति, हर व्यक्ति को इंक्लूड करे, ऐसी समावेशी शिक्षण प्रणाली
है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था जो है इन सबको सम्मिलित करने की बात करता है और सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था की बात करता है। तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा की जब हम बात करेंगे तो इन सारे लोगों की शिक्षा को सुनिश्चित करने की बात होती है। हम केवल डिसेबिलिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि मेरा कार्य क्षेत्र जो है वो डिसेबिलिटी फील्ड रहा है, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को लिमिट करूंगा, कन्फाइंड करूंगा डिसेबिलिटी के लिए, कि डिसेबल लोगों के लिए कैसे हम इंश्योर करें एजुकेशन सिस्टम में। अगर हम इस समावेशी शिक्षा प्रणाली के बारे में हम भारत के संदर्भ में ही बात करें तो मैं बहुत पुरानी बातें नहीं करूँगा, पुराने समय में भी हमारे यहाँ ऐसी शिक्षण प्रणाली थी जिसमें कि बहुत हद तक जो है हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एक समावेशी प्रणाली रही है। हम उसमें सबको पढ़ाने की एक ही कोई हमारे लिए स्पेशल स्कूल अलग से एस्टैब्लिश इस तरह के लोगों के लिए नहीं था, बल्कि एक ही गुरुकुल प्रणाली थी और उसमें सारे लोग पढ़ते थे। तो एक व्यवस्था वो चली, लेकिन भारत के आज़ादी के पश्चात 1947 और 1950 में जब भारतीय संविधान हमारा निर्मित हुआ, उसके बाद हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपने जो हमारे यहाँ संविधान है उसमें यह बात निश्चित की गई कि सभी प्रकार के सभी लोगों को शिक्षा देनी है, और उसमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की भी बात की गई, जो प्राथमिक शिक्षा है उसका सार्वभौमिकीकरण करना। लेकिन अगर हम आज संविधान के निर्मित होने के 70 सालों के पश्चात भी अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ 100% शिक्षण व्यवस्था, खासतौर पर साक्षरता दर भी नहीं आ पाई। केवल साक्षर होना शिक्षित नहीं हो सकता, लेकिन साक्षरता एक मानक है शिक्षण प्राप्ति का। तो हम उसकी भी बात करें तो हमारे जो 2011 का जो सेंसस है और अभी हाल फिलहाल जो हमारे लिटरेसी रेट के जो आंकड़े हैं वह 74% के आसपास बनता है। तो अभी भी हमारे यहाँ कह सकते हैं कि हम 26% ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी कारण से उनको शिक्षण व्यवस्था में शामिल होने का मौका नहीं मिला है। तो ये हमारे शिक्षण व्यवस्था की एक चुनौती है हमारे लिए कि कैसे हम इनको, और जब हम उसके बारे में देखते हैं कि आखिर ये 26% में लोग कौन है, कौन लोग ऐसे हैं जो हमारे जो लिटरेसी रेट है उसका एवरेज गड़बड़ा रहे हैं, तो वो जब हम देख रहे होते हैं तो उसमें साफ पता चलता है कि हमारे जो फीमेल कैंडिडेट हैं सोशली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं, और ओबवियस है कि हमारे जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वह अभी भी हमारे एजुकेशन सिस्टम के पार्ट नहीं बन पाए हैं। ये हमारे गवर्नमेंट सिस्टम का या हमारे एजुकेशन सिस्टम का कहीं ना कहीं फेल्योर है। हम इसकी तरफ जो है वो बात करना चाहते हैं कि भारतीय संदर्भ में अब हम ऐसी व्यवस्था लेकर के आए जिसमें कि हम इस तरह के सारे बच्चों को सम्मिलित करें। तो अब हम इस समावेशी शिक्षण के बारे में थोड़ा सा और मैं इस पर प्रकाश डालते हुए कि ये समावेशी शिक्षण व्यवस्था बेसिकली क्या कहता है, और ये क्या सचमुच में ऐसा टर्म, क्या यूटोपियन टर्म है, यह एक राम राज्य वाला आदर्शवादी शब्द है जिसमें ऐसा समावेशी शिक्षा की संकल्पना ही एक तरह से निर्मूल है, या केवल यह आदर्शवादी है। कभी कभार हम कहते हैं कि इंक्लूजन या इंक्लूसिव एजुकेशन इज ए फिलॉसफी, इट इज़ नॉट ए प्रोग्राम। यह एक आइडियलिस्टिक जो है वो व्यू है, एक ऐसा माना जाता है, एक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जो सभी तरह के बच्चों को हम इंक्लूड कर लें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इंक्लूजन का अवधारणा थोड़ा सा हम और समझते हैं, उसमें साफ तौर पे हम कहते हैं कि इंक्लूजन इज द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल पीपल्स विद इन द मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम, टॉट विद इन ए कॉमन फ्रेमवर्क एंड डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल टीचर्स। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारी समावेशन है वह समावेशन में सभी प्रकार के बच्चों को स्वीकार किया जाए, स्वीकारोक्ति होती है, और जो हमारे मुख्य धारा की जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें उनको हम स्वीकार करें और एक सामान्य ढांचे के अंतर्गत उनको पढ़ाया जाए, और जो हमारे सारे शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों की जवाबदेही बनती है कि हम इंक्लूजन या इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप में लेकर के आए। लेकिन ये सचमुच में लगता है कि क्या सचमुच में हम ये सारे बच्चों को एक ही क्लासरूम में एक शिक्षण व्यवस्था के एक ही छतरी के नीचे पढ़ाना संभव है? ऐसा लगता है कि संभव भी है और नहीं भी है। अगर व्यवहारिक तौर पर देखें तो बहुत सारी दिक्कतें हम लोगों को देखने में आती हैं।
लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर करें, हमारे यहाँ क्या शिक्षण व्यवस्था, जो विशेष विद्यालयों की जो बात की जाती है, जो ऐसे बच्चे जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, चाहे विजुअली चैलेंज्ड हो, हियरिंग इम्पेयर्ड हो या और इस प्रकार के जो बच्चे हैं, उनके लिए विशेष विद्यालय भी खोले गए हैं या विशेष विद्यालय भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन अधिकतर जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वे सामान्य विद्यालयों के ही अंतर्गत पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अगर आप देखें तो एक क्लासरूम जो भारत में है, उसमें एक हेट्रोजीनस ग्रुप आपको एक देखने को मिलेगा। आप 90 से 110 जो IQ हमारा एवरेज है, उस 90 से बिलो IQ वाले भी और 110 से ऊपर IQ वाले भी हो सकता है कि हमारे क्लासरूम में मिल जाए। ऐसा ग्रुप बहुत सारे जो है कक्षाओं में हमारे यहाँ देखने को मिलता है। तो एक हमारे यहाँ हेट्रोजिनिटी तो है ही, जो सारे प्रकार के विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं सम्मिलित करने की बात करता है, और यह एक अपने आप में सामान्य समावेशन है। तो समावेशी शिक्षा हमारे यहाँ है, एक टीचर सारे तरह के विद्यार्थियों को पढ़ाता है। लेकिन जब हम क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, जब गुणवत्ता शिक्षण शिक्षण के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर जाकर के हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं उन बच्चों के साथ, जो एक गिफ्टेड है, जो एक प्रतिभाशाली बालक है, वो उस तरह के शिक्षण व्यवस्था में उसकी प्रतिभा कहीं ना कहीं कुंद होती है और उसकी जो नीड्स है वो फुलफिल हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन हमारे यहाँ एक समावेशी अवधारणा बनी हुई है, लेकिन उसको दूर करते हुए, समावेशी शिक्षण व्यवस्था में रहते हुए भी हमें ऐसे बच्चे बहुत सारे जो है वो अभी भी उस क्लासरूम के बाहर हैं। उनको कैसे हम इंक्लूड करें? ऐसे बच्चों को इंक्लूड करने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स भी लेकर के आए जाते हैं, और उसके तहत ऐसे बच्चों के लिए जो मुख्य बात आती है कि किस प्रकार से हम डिसेबल्ड बच्चों के लिए, खास तौर पर जो कि एक, अगर हम जो हेट्रोजीनस क्लासरूम के बारे में जिसकी बारे में बात किया हमने, वो सारे के सारे जो है कहीं ना कहीं देखने में किसी प्रकार से कोई बहुत ज़्यादा अंतर लोगों को समझ में नहीं आया, शिक्षक के रूप में या किसी को ऐसा उसमें सिग्निफिकेंटली किसी ने ऑब्जर्वेशन नहीं किया, जिसके कारण उनको बाहर उन्होंने नहीं किया, क्लासरूम में बिठाया। लेकिन जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनके लिए हमारे यहाँ पहले से ही ऐसी अवधारणा रही है कि इनके लिए कोई ना कोई विशेष विद्यालय होता है, वहाँ पर इनको पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे जा करके खत्म हो रहे हैं, और हमारे यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन की जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे आ रही है। ये इंक्लूजन जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है। हमारी जो शिक्षण व्यवस्था, सामान्य शिक्षण व्यवस्था है, जिसमें कि हम मुख्य धारा की जो शिक्षण व्यवस्था है, जो जनरल एजुकेशन सिस्टम हम कह रहे हैं, वह बहुत पुरानी है, बहुत प्राचीन है। लेकिन अगर हम डिसेबल्ड बच्चों के बारे में बात करें, तो इनकी अवधारणा जो है महज 100-150 साल या 200 साल के करीब देखने को मिलता है। भारत में इसके प्रयास, गंभीर प्रयास जो है विद्यालयों के खोलने के साथ प्रारंभ होते हैं। अगर एक हम विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के विद्यालय के बारे में बात करें, तो अमृतसर में पहला 1887 ईस्वी में यहाँ पर ब्लाइंड स्कूल खोला गया भारतवर्ष में, और फिर धीरे धीरे इनका प्रसार शुरू हुआ। आज हम इनके लिए पृथक व्यवस्था के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। इसके कारण यह है कि ये जो विद्यालय होते हैं वो केवल और केवल शहरी क्षेत्रों में ही अवस्थित होते हैं, जहाँ पर कि सारे बच्चों को सम्मिलित होना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हमारा जो समाज है, जो डिसेबिलिटी भी है, अगर एक स्टडी से यह देखा जाता है कि डिसेबिलिटी जो है वो पॉवर्टी के बीच में ज़्यादा पाया जाती है। जो हमारा जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वह बहुत ही इस तरह के जो लोकेलिटीज़ है वहाँ पर पाए जाते हैं, रूरल बैकग्राउंड में ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन इस तरह के विद्यालय जो है वो शहरों में अवस्थित है। तो हमें जो हमारे PWD एक्ट है, और नया जो एक्ट हमारे यहाँ RPD एक्ट आया है, उस RPD एक्ट 2016 के मुताबिक भी इनको समीप वाले और जो नज़दीक वाले विद्यालय है वहाँ पर इनको ले जा करके इनरोल कराना होता है, और उनको एक इंक्लूसिव सिस्टम में जो सारे बच्चे जहाँ पढ़ रहे होते हैं वहीं पर इनको एजुकेशन देने की बात होती है।
लगता है कि यह थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या हम ऐसे बच्चों को इस तरह के क्लासरूम में इंक्लूड करके न्याय करेंगे या इनके साथ अन्याय करेंगे। ऐसा लगता है कि नहीं, न्याय नहीं है इनके लिए, इनके लिए मुश्किल है। लेकिन शायद हेलो, 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 मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? कोई मैसेज? हेलो, शायद ऐसा मुझे लग रहा है कि लिंक जो है वो टूट गया है। हेलो, आ रही है मेरी या लिंक टूट गई? वीडियो रुक रुक के चल रहा है। अभी आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा तो क्या कंटिन्यू करूं या फिर रोकूं फिर? कंटिन्यू करते रहिए सर, जैसे चल रहा है, लाइव तो दिख रहा ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो मैं जिस व्यवस्था के बारे में बात कर रहा था, इसमें चूंकि व्यवधान आने के कारण थोड़ी सी दिक्कत है, तो जो हमारे शिक्षण व्यवस्था है, इस शिक्षण व्यवस्था में हमें ऐसे बच्चों के लिए जो हम जब स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि कुल जो हमारे यहाँ जो डिसेबल्ड बच्चों की जो प्रतिशत है और जो लोग हैं, वह अगर जनगणना के हिसाब से देखें जो सेंसस 2011 है, उसमें कुल 2.21% ही डिसेबल्ड पॉपुलेशन है। और डिसेबल्ड पॉपुलेशन के 2.2% में हमारे जो 1% ही जो बच्चे हैं वह किसी न किसी प्रकार से एजुकेशन सिस्टम में आ पाते हैं। तो ये जो हमारे लिए जो एक चिंतनीय विषय है कि ऐसे बच्चों को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एक मुख्य धारा के समाज में जोड़ें, तो जो हमारी समावेशी संकल्पना है उसी के आधार पर अगर हम व्यवस्था को लेकर के जाएंगे, जब उनके बीच में जब इस तरह के बच्चों के लिए सामान्य विद्यालय के अंतर्गत ही उनको पढ़ने की जब हम व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, तो शायद जो है वे आसानी से इस समावेशी शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम एजुकेशन दे पाएंगे। तो निश्चित तौर पर हमें उनके लिए जो हमारा जो सिस्टम है उसको वहाँ तक लेकर के जाने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा हम इसमें और जोड़ते हुए कि आखिर ये जो व्यवस्थाएं हैं इनमें किस तरीके से ऐसे लोगों के लिए हम काम कर सकते हैं, इसमें तीन तरह के सर्विसेज के बारे में बात की जाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए हमें इसेंशियल सर्विसेज और इसेंशियल सर्विसेज के साथ साथ सपोर्ट सर्विसेज और पेरिफेरल सर्विसेज, ये
ये हमें जब हम देंगे तो इनके लिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वह आसानी से अचीव हो पाएगा। इनको अवसर उपलब्ध कराने के लिए सबसे पहले जो एसेंशियल सर्विसेज में हमें जो सामान्य शिक्षक हैं, क्योंकि जो समावेशी शिक्षण प्रणाली है वह सामान्य शिक्षा का ही एक अभिन्न अंग है। सामान्य शिक्षा से वह अलग नहीं है, वह उसी का पार्ट है। जैसे कि हम यह एक अवधारणा मान लेते हैं कि नहीं, ऐसे बच्चों को हम नहीं पढ़ा सकते हैं या ऐसे बच्चे जो है वो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन ये जो बात है वो सही नहीं है, बल्कि उनको हमें समाज के मुख्य जो शिक्षक है, जो मुख्य धारा के जो शिक्षक हैं, जिसको कि हम रेगुलर टीचर या सामान्य शिक्षक कहते हैं, उनकी मुख्य जिम्मेदारी होती है कि वे ऐसे बच्चों को टैकल करें, उनको पढ़ाएं और उनको जो भी सर्विसेज वो दे सकते हैं वो देने चाहिए। ये हो सकता है कि उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन वे सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ इनको जोड़ करके आसानी से पढ़ा सकते हैं। रही बात, ये लगभग जो है 80% काम जो है वो किया जा सकता है इनके द्वारा। बीच में जो हमारा जो भाग आता है वह है एसेंशियल सर्विसेज के बाद सपोर्ट सर्विसेज। अगर कोई दिक्कत आती है ऐसे बच्चों को पढ़ाने में, सामान्य शिक्षकों को या उस सामान्य शिक्षण प्रणाली में कोई दिक्कत आती है, तो हमें इस तरह के बच्चों के लिए जो स्पेशलाइज टीचर हैं, जो बिल्कुल इनके लिए ट्रेंड टीचर हैं, उनको हेल्प करने की ज़रूरत पड़ती है, फैसिलिटेट करने की ज़रूरत पड़ती है कि वे जाएं और सामान्य शिक्षक को भी, उनके जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको भी, और इस तरह के जो पेरेंट्स हैं उनके, उनको जा करके फैसिलिटेट करें, उनको बतलाएं कि आप इनको किस तरीके से एजुकेशन दे सकते हैं। तो ये तीसरा जो एक पेरिफेरल सर्विसेज है, इसमें हम ऐसे बच्चों के लिए जो डिसेबल्ड हैं उनको और भी दूसरे तरह की ज़रूरतें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ है, काउंसलिंग प्रोसेस भी उनको देने की ज़रूरत पड़ती है, उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ऑडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, ऑप्टोमेट्रिस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो पेरिफेरल सर्विसेज हैं, जो और भी उनकी जो अन्य ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए ऐसे जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक पूरा इंटरडिसिप्लिनरी टीम बनती है जिसके द्वारा ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाए। अब दूसरी बात ये दिमाग में उभर करके आता है कि चूंकि हमारा एक जो डिसेबल्ड बच्चों का जो स्पेक्ट्रम है वह भी बहुत ही बड़ा वाइडन है, बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा है। हम मेंटली रिटार्डेड बच्चों के बारे में अगर बात करें तो उनको शायद पढ़ाना जो है बहुत ही ज़्यादा दुष्कर कार्य होता है, उनको हम सामान्य शिक्षण प्रणाली में या जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें हम शायद उनको इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। लेकिन शायद ऐसा हम कर पाते हैं, कुछ रिसर्च ये बताते हैं, शोधों की अवधारणा से स्पष्ट होता है कि जब हम एक पिरामिड खींचते हैं तो उसके जो आधार वाला जो हिस्सा है, उस आधार वाले हिस्से में लगभग 45% जो है हम कह सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो माइल्ड कैटेगरी वाले हैं उनको हम आसानी से सामान्य जो शिक्षण प्रणाली है उसमें हम लोग जोड़ सकते हैं। तो जब सामान्य शिक्षण प्रणाली में उन 45% को जोड़ सकते हैं और कुछ उसके बाद ऊपर वाले जो केसेस हैं उनको हम कुछ एसेसिव डिवाइसेस की सहायता से या कुछ और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे करके भी उनको सामान्य शिक्षण में ला सकते हैं। लेकिन ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो लगभग 30% के आसपास कह सकते हैं कि सीवियरली डिसेबल्ड होते हैं या उनमें एक से अधिक तरह की विकलांगताएँ या डिसेबिलिटी होती हैं, उनको हम सामान्य प्रणाली में, सामान्य शिक्षण प्रणाली में समाहित नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए हम स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हम वहाँ पर इंक्लूड करके, इनरोल करके उनको हम ट्रेंड कर सकते हैं। लेकिन जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हम उनके लिए तो सारी सुविधाओं का एक इंतजाम कर ही सकते हैं और समावेशी शिक्षण प्रणाली के द्वारा वे आसानी से
हम समावेशन की तरफ जो है वो कदम बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत तरह की सुविधाएं आई हैं, बहुत तरह की फैसिलिटीज भी आई हैं, लेकिन ज़रूरत है कि एक पूरी टीम जो है उसके साथ काम करे। बहुत तरह के ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जो लोग हैं जो इस क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है उसमें कहीं ना कहीं उदासीनता या शिथिलता के कारण इनको हम जल्दी जो कहा जाए कि फौरी तौर पर इनकी सुविधा हम इनको उपलब्ध नहीं करा पाते। अगर मैं अपने यहाँ की ही भी बात करूँ तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको हम लोग चाहते हैं कि बहुत तरह की सर्विसेज उनको प्रोवाइड कराएं, लेकिन कुछ ऐसी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप्स में जो सिस्टम है उस सिस्टम के द्वारा हम उनके लिए तुरंत आसानी से सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते। जैसे अगर हम लोग ब्लाइंड स्कूल में जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी के बारे में इंस्ट्रक्टर होते हैं, ब्रेल पढ़ने वाले होते हैं लोग, साइन इंटरप्रेटर्स जो है सभी जगह हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में चाहिए होता है, इक्विपमेंट्स वगैरह लगाने की बात होती है, अगर ये सारी सुविधाओं जो टेक्नोलॉजी आजकल आई है उस टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो एक कारण ये बनता है कि हम उनकी हम सुविधाओं को ठीक प्रकार से नहीं ला पाते हैं, तो समावेशन में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। तो समावेशन में जो दिक्कतें भी हैं वो उसको भी हम अगर हम और अच्छी तरह से देखें